हेलो एंड वाचिंग क्लैपटॉप, वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। टुडेज वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नॉट जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक एंड अदर अप्लायंसेस दैट इज बीइंग यूज्ड इन योर हाउस, ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट अदर स्टफ दैट हाउ सिक्योर्ड एंड सेफ दे आर फॉर यू, फॉर योर किड्स, फॉर योर फैमिली मेम्बर्स, हाउ यू कैन सेव मनी, हाउ दे आर सपोज टू बी परचेज्ड, हाउ टू यूटिलाइज देम, हाउ डू दे फंक्शन एंड हाउ टू चूज अप्रोप्रिएट अप्लायंसेस। पूरे नॉर्थ इंडिया में LG का सबसे सस्ता प्रोडक्ट आपको LG ब्रांड शॉप प्रीतविहार में ही मिलेगा। हेलो सर, हाउ आर यू? गुड सर, आप बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू क्लैपटॉप। हाँ जी। ऑलराइट, फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर शूटिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, वी हैव नेवर डन दिस बिफोर, right? And also you're appearing for the first time on our channel, so we'll take a small introduction. Where are we based, what are the brands hamare paas, kaun kaun se brands hain aur us brand ki kaun kaun si legacy hai, kaun kaun se unke product range hai hamare paas, saath mein hum baaki is brand to brand comparison aur baaki brand se hum log kaise different hai, so just tell us about this sir. Ye LG ka exclusive showroom hai जी. Hum Prithvihar Delhi ke east Delhi ke andar based hai. Ye LG ka one of the most exclusive showroom hai Delhi ka. Yahan pe hamare paas अगर आप देखो तो काफ़ी सारी रेंज है हमारे पास। टेलीविजन हैं, टेलीविजन के अंदर कई सारे ऑप्शंस हैं, एयर कंडीशनर है, वॉशिंग मशीन्स हैं, डिश वॉशर्स हैं, साउंड बार्स हैं, म्यूज़िक सिस्टम्स हैं, रेफ्रिजरेटर है, वाटर प्योरीफायर है, एयर प्योरीफायर है, तो रेंज बहुत है, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। बाकी अगर आप देखो बाकी सारे ब्रांड से LG जो ब्रांड है बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, बिकॉज एक तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपना है, आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है ये ब्रांड, बट इसकी ड्यूरेबिलिटी सारी चीज़ें आफ्टर सेल सर्विस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ जी, right. हाँ जी। अब एक और मेन कैच है जो थ्रू आउट द वीडियो हम बात करते रहेंगे, बताते रहेंगे हमारे व्यूअर्स को, वो है प्राइस का कैच। ऑफ कोर्स वी आर नॉट डिस्क्लोजिंग द प्राइस, बट आपने बताया था जब हम फोन पे बात कर रहे थे कि आपका सबसे बड़ा जो कैच है, मतलब ऑफ कोर्स क्वालिटी के बाद में, हाँ वो है प्राइस का। हाँ, LG टू LG अगर हम कंपेयर करते हैं पूरे दिल्ली में, तो जो LG के ऊपर प्राइस है आप क्लेम करते हैं वो बेस्ट प्राइस है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप कहीं से भी कंपेयर करें, आप ऑनलाइन देख लीजिए, किसी अदर शोरूम से देख लीजिए, जो हमारे प्राइजेज होंगे वो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे और सबसे आपको बेस्ट प्राइस मिलेगा। और प्रोडक्ट की क्वालिटी, कोई आपको क्या कहते हैं सेकेंड्स का प्रोडक्ट नहीं, डिस्प्ले का प्रोडक्ट नहीं, सील्ड पैक प्रोडक्ट्स, लेटेस्ट मैनुफैक्चरिंग, सेम डे इंस्टॉलेशन, सारी सर्विसेज हमारे यहाँ से मिलती है। अच्छा स्टॉक भी हमारे पास। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक सवाल ऐसा है दैट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद LG और यू, वो एक जनरल अभी YouTube पे एक फ्लो बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के बहुत बड़े बड़े गोडाउन दिखाए जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और मार्केट प्राइस से वो ऑलमोस्ट स्लैश करते हैं, अप्रॉक्सिमेटली 70-80%, 30%, 40%, 70%। हाँ जी सर, हाउ डज इट वर्क, बिकॉज आई हैव नेवर बॉट फ्रॉम देम। एक्चुअली सर क्या है, जो कंपनी जिस प्रोडक्ट्स को डंप कर देती है उसको जनरली स्क्रैप वाले, जो आप बेसिकली कबाड़ी उठा लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसका कंप्रेसर निकाल दिया, उसमें नकली कंप्रेसर डाल दिया, डेंटेड प्रोडक्ट, ना उसकी कोई कंपनी सर्विस देती है, जो डीलर्स ये सारी चीजें उठाते हैं वो खुद ही क्या कहते हैं उसकी वारंटी वगैरह देते हैं, तो कंपनी की तरफ से वो प्रोडक्ट डिस्कार्डेड होता है, तो वो तो फैक्ट्री सेकंड्स वाला प्रोडक्ट होता है, उसको हम अपने से कंपेयर भी नहीं करते। और नहीं, नहीं, आप तो डेफिनेटली नहीं करते, बट आई वांटेड टू हियर इट फ्रॉम यू, बिकॉज मुझे लगता था कि ये मिथ करना लोगों को क्लियर बहुत जरूरी है। हाँ जी, काफी सारे लोगों को बेवकूफ भी बनाया जा रहा है, आई एम सो सॉरी टू से दैट। आजकल कस्टमर बहुत इंटेलिजेंट है, सबको सारी चीजें पता होती है। उसके जैसे अगर आप रेफ्रिजरेटर की बात करो, 1 लाख रुपए वाला प्रोडक्ट क्या रेट 30,000 का, 40,000 का, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, कंपनी उसको डंप कर देती है, सेकंड उस किसी का कंप्रेसर रिमूव करके उसमें लोकल कंप्रेसर डाल दिया, किसी का पार्ट चेंज कर दिए, वो इस तरीके की चीजें होती रहती है। इलेक्ट्रॉनिक पायरेसी भी होती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये जो आप बात कर रहे हो ये वही होती है। चलिए ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द वीडियो, ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन तो हम रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि LG के अंदर 32 इंचेस से लेके 97 इंचेस तक की रेंज है, सबसे बिग रेंज है कि आपको छोटे से छोटा बड़े से बड़ा साइज मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम अपनी अगर प्रीमियम प्रोडक्ट की बात करें तो LG के अंदर TV आता है OLED। OLED टेक्नोलॉजी जो है वो फर्स्ट टाइम LG ने इन्वेंट करी थी पूरे मार्केट के अंदर, और आज की डेट में अगर आप बात करो तो LG का इसके अंदर बहुत अच्छा मार्केट शेयर है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आप इसको पास से देखोगे तो ये आपके फोन से भी पतला होता है। अच्छा, स्लिमेस्ट है। बिल्कुल स्लिमेस्ट। उसके बाद इसके अंदर कोई बैकलाइट सोर्स नहीं होता, ये अपनी पिक्चर खुद वो करता है, 120 हर्ट्ज के अंदर आता है। इसके अंदर हमारे पास 42 इंचेस से लेके 97 इंचेस तक की रेंज आती है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर सारे फीचर्स आते हैं आपके, इसका अपना WebOS स्टोर होता है, इसके बाद इसके अंदर आपका 2-way ब्लूटूथ होता है, साथ में मैजिक मोशन रिमोट कंट्रोल होता है, मूवेबल ब्रैकेट होता है, बहुत सारी चीजें। और अगर आप इसकी पिक्चर क्वालिटी देखोगे, अगर आपकी वॉल पे लगा हुआ इस तरीके से आपको लगेगा कि कोई
कोई फोटो फ्रेम लगा हुआ, बिल्कुल इतनी क्लियर इसकी पिक्चर क्वालिटी है और 120 हर्ट्ज के अंदर आते हैं सारे के सारे, जिससे अगर आप कोई गेमिंग कर रहे हो, प्ले स्टेशन खेल रहे हो, उसके लिए सबसे अच्छा टीवी, और सारे के सारे सबके अंदर ही डॉल्बी एटमॉस का फीचर भी है, उससे साउंड जो है बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। अच्छा, इनके अपने खुद के बिल्ट इन स्पीकर्स होते हैं? हाँ जी, उन्हीं का डॉल्बी भी है उसमें, 5.1 5.2 जो भी होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये क्या हाइट, क्या है? ये हमारा 77 इंचेस का ओएलईडी टीवी है, राइट। इसको डायगोनली कैलकुलेट किया जाता है, डायगोनली 77 इंचेस होता है। इसको कितने साइज के रूम बेसिकली से देखना चाहिए? डिस्टेंस का आजकल ज्यादा वो नहीं, जब टीवी इतने एक्सपेंसिव हो गए, इतनी अच्छी रेंज आ गई, तो बेयर मिनिमम 8-10 फीट से भी अगर आपको देखना हो तो आप बिगर साइज के अंदर जा सकते हो। जैसे कोविड के बाद हमारी काफी लाइफ चेंज हो गई, हमने बाहर जाना छोड़ दिया सब कुछ, तो घर को हमने इम्प्रूव करा, अपग्रेड करा, हमने अपने छोटे टीवीज को चेंज करके बड़े टीवीज कर लिया। आजकल ओटीटी ने बहुत ज्यादा मार्केट कैप्चर कर ली, तो सब कुछ क्या कहते हैं, एक्चुअली देखे तो आपका अपना खुद का एक मिनी थिएटर क्रिएट करता है ये वाला साइज़ है ना, परफेक्ट। टीवी साथ में साउंड बार आप लगा सकते हो, तो आपको पूरा ऐसे सिनेमा इफेक्ट आता है। चलिए हाँ ठीक है, इसके तो आपके मेरे ख्याल से जब साइज ले रहे हैं तो एक बार आप जरूर बात कर लीजिए। हाँ, आप बता देंगे है ना कि कौन से साइज का प्रॉब्लम है, प्लीज गो अहेड। अब जैसे आप ये देखिए, ये 77 इंचेस के अंदर ओएलईडी आता है, ये हमारे दो मॉडल लगे हुए हैं, ये 55 इंचेस के अंदर ओएलईडीज हैं, ये हमारा 65 इंचेस के अंदर ओएलईडी है। इसके बाद अगर ओएलईडी के बाद हम थोड़ा नीचे वाली सेगमेंट में जाएं तो हमारा आता है क्यूएनईडी टीवी। क्यूएनईडी क्या होता है? क्यूएनईडी इज क्वांटम डिस्प्ले। इसके अंदर क्या होता है, पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाती है, ब्राइटनेस बहुत इंप्रूव हो जाती है, प्रोसेसर फास्ट हो जाता है, और ये भी 120 हर्ट्ज़ के अंदर आता है। अच्छा, इसके अंदर 120 हर्ट्ज़ इसका रिफ्रेश रेट होता है, उससे जो टीवी की जिस तरीके टीवी देखने का एक्सपीरियंस है, पिक्चर क्वालिटी है, गेमिंग एक्सपीरियंस है, बहुत बेटर हो जाता है। मार्केट में जनरली 50-60 हर्ट्ज़ पे टीवी सारे ऑपरेट होते हैं, एलजी में आपको बहुत अच्छी अच्छी रेंज में 120 हर्ट्ज़ मिल जाएगा। और ये अगर आप प्लेस्टेशन खेलना चाहते हो, कुछ करते हो, तो उसमें आपको आपकी पिक्चर क्वालिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। बिल्कुल ठीक बात है। इट इज अबाउट योर हेल्थ आल्सो, लगातार आप कॉन्स्टेंटली बहुत देर तक टेलीविजन देखते हैं। हाँ जी, तो टेलीविजन वो उतने हर्ट भी नहीं करते। हाँ जी, राइट। अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। अब यहाँ पे क्या है? उसके बाद सर हमारा साइजेस का आता है, ये 65 इंचेस लगे हुए हैं, ये भी 65 है, 65, फिर 65 के बाद हमारे 55 आ जाता है, 55 के बाद 50 इंचेस है, 50 इंचेस के बाद 43 इंचेस है, 43 इंचेस के बाद 32 इंचेस है, ठीक है। तो क्यूएनईडी से छोटा जो आता है हमारा अल्ट्रा एचडी एलईडी आता है, अल्ट्रा एचडी जो टीवी है वो 55 इंचेस के अंदर आपका अप्रोक्सीमेटली 45,000 की रेंज से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद इसके अंदर इंटरेस्ट फ्री ईएमआई का ऑप्शन है थ्रू बजाज फाइनेंस एंड ऑल क्रेडिट कार्ड, और मेजरली मेजर क्रेडिट कार्ड्स पे आपको और इसमें डिस्काउंट भी मिलता है एज एन इंस्टेंट डिस्काउंट। आपका 45 वाला टीवी अप्रोक्सीमेटली 40,000 के आसपास कॉस्ट करता है अगर आप उसको क्या कहते हैं क्रेडिट कार्ड से पे करो, और अच्छा। साथ में आपको इंटरेस्ट फ्री ईएमआई भी मिलती है। ऑलराइट, डन। एक डिस्काउंट भी ना एक लॉजिकल होना चाहिए, कोई भी डिस्काउंट जो है वो अगर बहुत ज्यादा स्लैश कर दो तो इलॉजिकल हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, विल गो लिटिल फर्दर नाउ। इनकी डिलीवरी भी हो जाती है? बिल्कुल, चॉइस है, अगर आप बोलो तो सेम डे डिलीवर हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है, साथ में ब्रैकेट जो आता है मूवेबल आता है। आपको क्या कहते हैं, खुद अपनी कार में लेके जाना है या खुद डिलीवरी चाहिए तो हमारे पास रेडी स्टॉक होता है, साथ में भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, और साउंड बार्स भी हम देख रहे थे यहाँ पे, ये बिल्कुल भी सर, इसमें भी साउंड बार्स में भी हमारे पास काफी वैरायटी है, ये मॉडल है उसका, ये मॉडल है, डिपेंडिंग ऑन क्या आपने कितना बजट है, कितने साउंड उसमें वोल्टेज में चाहिए, उसमें हमारे पास काफी ऑप्शन आते हैं। और अगर आप चाहो तो ये देखो, ये हमारे पार्टी स्पीकर आते हैं, इसमें भी हमारे पास 500 वॉट 1000 वॉट 2000 वॉट के अंदर कई सारे ऑप्शन है। इसको आप एज अ कैरियोके डिवाइस भी यूज कर सकते हो, इसमें आप माइक कनेक्ट कर सकते हो, गिटार कनेक्ट कर सकते हो, सारी चीजें इसके अंदर ब्लूटूथ के थ्रू ड्राइव के थ्रू सब कुछ अवेलेबल। डन। ये एक्चुअली इजी टू पोर्ट होते हैं, लोग जिम में भी रखते हैं इसको, ज़ुम्बा के लिए, क्लब्स में भी इनको यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भी यूज आपके घर पे कोई पार्टी है तो ये आप बहुत इजीली कैरी कर सकते हो, लाइट वेट के अंदर होता है, टेरेस पे लगाना है, स्टिल पार्किंग लगाना है, कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हो। और इवन सबसे बेस्ट बात यह है, आप इसको अपने स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हो और आपकी टीवी की वॉइस भी इसके अंदर आ जाती है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। डन। ब्लूटूथ से थोड़ा सा लैग करता है, वो नहीं है, अब स्मार्ट टीवी से कनेक्ट करेंगे तो लैग नहीं करेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अभी आता है सर हमारा एयर प्यूरीफायर। आजकल जैसे आप देख रहे हो दिल्ली के अंदर स्मॉग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, एलजी का एक ऐसा एयर प्यूरीफायर आता है जिसके अंदर PM 1.0 फिल्टर होता है। अगर आप PM 1.0 देखो तो उसकी अलग से ही कॉस्ट 20,000 होती है। अब आप पूछोगे PM 1.0 होता क्या है, जितने एयर प्यूरीफायर है वो PM 2.5 ऑपरेट होते हैं, उसमें क्या होता है मोटा डस्ट पार्टिकल। PM 1.0 में क्या बेनिफिट होता है, ये आपका जो माइक्रो डस्ट पार्टिकल होता है उसको भी रिमूव कर देता है। ठीक है, हाँ जी, डन।
ये क्या रेंज में आते हैं? ये सर अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट हो जाता है 25,000 रुपीज की रेंज से. उसके बाद इसमें अगर आप थोड़ा ज्यादा स्क्वायर फीट वाला बड़ा एरिया के लिए देखो तो हमारे पास बिगर साइज भी आता है, वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 60-65,000 की रेंज में आता है. चलिए विल चेक आउट, क्योंकि अब प्योरिफिकेशन की बात चल रही है, एक जरा क्विकली सेक्शन हम वाटर प्यूरिफायर का भी देख लेते हैं. बिल्कुल आइए सर, बता देना आप. जी जी बिल्कुल बता दें सर. इसके बाद अगर जैसे प्यूरिफिकेशन की बात आप कर रहे थे, इसके बाद हमारे आते हैं वाटर प्यूरिफायर. मार्केट में जितने भी वाटर प्यूरिफायर हैं उससे अगर हम एलजी के वाटर प्यूरिफायर को कंपेयर करो तो एलजी का जो वाटर प्यूरिफायर है ये आता है स्टेनलेस स्टील के टैंक के अंदर. अगर आप देखो, मैं आपको आज लाइव एग्जांपल दिखाता हूं. अच्छा. ये प्लास्टिक की बॉटल है, जितने वाटर प्यूरिफायर आते हैं प्लास्टिक टैंक के साथ आते हैं. इस बॉटल को मैंने 3 मंथ से रखा हुआ है यहाँ पे, ये आप देखो येलो होना स्टार्ट हो जाता है. तो इसी तरीके से कैंसरस होता है प्रोडक्ट. जी यही चीज अगर आपकी स्टेनलेस स्टील होती है तो वो बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाती है. और सबसे बेस्ट इसके अंदर बात जो है, इसका जो टैंक है वो डायगोनल शेप के अंदर है. उसका क्या बेनिफिट, उसका ये बेनिफिट होता है आपको कि वाटर जो है वो बिल्कुल नीचे बचता नहीं है, पूरा पानी जीरो होगा, उसके बाद दोबारा भरना स्टार्ट होता है. सर्विस देती है ऑटोमेटिकली, इंजीनियर आपके घर पे आता है, आपको कॉल भी नहीं करनी होती, कंपनी के थ्रू डायरेक्ट आपको खुद कॉल आती है. चलिए ठीक है. आरओ का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एक्चुअली आफ्टर सेल सर्विस से रिलेटेड ही है. एलजी का तो आफ्टर सेल सबसे सुपीरियर है. एलजी के इतने अच्छे सर्विस सेंटर्स हैं, इतने अच्छे इंजीनियर्स हैं, कभी किसी चीज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती. इवन एलजी का सबसे, एलजी का थर्ड पार्टी खुद का अपना है, कुछ खुद होता है, कुछ एरियाज में अगर नहीं अवेलेबल होता तो उसमें वो थर्ड पार्टी भी होता है. बट ये होता है कि दे आर प्रोफेशनली ट्रेन्ड बाय एलजी ओनली. और इवन एलजी का सबसे बड़ा ब्रांड बनने का रीजन ये है, इसकी आफ्टर सेल सर्विस इंडिया में नंबर वन है. सुपर गुड. हां चलिए एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन. अब हम रेफ्रिजरेटर वो देखेंगे, एयर कंडीशनर. दिस इज एयर कंडीशन सेक्शन. दीज आर द एलजी एयर कंडीशनर. जी सबसे पहले मैं आपको इसके सबसे बेस्ट बात बताऊंगा. अगर आप एलजी का एसी देखते हो, इसका एक मंथ का आपका रोज एसी 10 घंटे चलाने का इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा सिर्फ और सिर्फ 800 रुपीज से लेके 1,000 रुपीज. वो कैसे, ये कोई टेक्नोलॉजी है? दिस इज डुअल इन्वर्टर एसी. ये टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है, एक्सक्लूसिवली एलजी के पास है. ये एसी कन्वर्टेबल है. कन्वर्टेबल के अंदर क्या बेनिफिट होता है, आप अपने एसी को 4 तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो. आप 1.5 टन के एसी को 1 टन बना सकते हो, 1/2 टन बना सकते हो, 1.75 टन बना सकते हो. उसके अकॉर्डिंगली वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होती है. तो वन मंथ की आपकी टोटल 800 to 1,000 रुपीज इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो आजकल पंखे से भी कम हो गया. और ये सेम टेक्नोलॉजी हमारे पास विंडो एयर कंडीशनर्स के अंदर भी है. डुअल इन्वर्टर एसी कन्वर्टेबल, और साथ में 52 डिग्री तक टेस्टेड. जैसे आप जानते हो दिल्ली का टेम्परेचर कितना ज्यादा गर्म हो जाता है, तो ये एसी इस तरीके का है. और सबसे अच्छी बात है इसकी आफ्टर सेल सर्विस इतनी अच्छी है कि आपको कोई भी अगर कभी प्रॉब्लम आती है तो विद इन 2 hours या 4 hours आपको कंपनी से सॉल्यूशन मिल जाता है. ऑलराइट. तो जो छोटे टन के एसी हैं उनको बड़ा नहीं किया जा सकता, लेकिन बड़े टन के एसी को छोटा किया जा सकता है. आजकल इंडिया की मार्केट में देखो सबसे ज्यादा चलता है 1.5 टन का. जी 1.5 टन के एसी को आपका रूम साइज छोटा है या बड़ा है, जो कुछ भी है, अपने रिमोट से एक बटन दबा के सेट कर सकते हो. आपको उसको 1 टन चलाना है, 1/2 टन चलाना है, 1.75 चलाना है, उसके अकॉर्डिंगली वो बिजली लेता है. ओके तो अप्रोक्सीमेटली आपका अगर 800 रुपये, मतलब 50 रुपये दिन का बिजली का बिल आएगा, तो इससे अच्छी चीज़ आपको नहीं मिल सकती. इवन आप अपने मोबाइल से सेट कर सकते हो आपको कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए पर मंथ. अच्छा. हाँ तो ये सारे के सारे ऑटोमेशन में जो हमारे, हाँ जी हाँ जी होम ऑटोमेशन सबसे बेस्ट एयर कंडीशनर पूरी इंडस्ट्री का है. ऑलराइट ठीक है. वैसे अगर देखें टन के हिसाब से तो ये क्या टन का है सबसे ऊपर? ये 1 टन आता है. 1 के बाद 1.5 के अंदर कॉम्पैक्ट साइज आता है 33 इंचेस के साथ. किसी को अगर बड़ा चाहिए तो ये फिर सारे बड़े आ जाते हैं. आपका 1.5 टन आ जाता है. 1.5 टन में 4-star 5-star आता है. 2 टन अवेलेबल हो जाता है. फिर आप विंडो में देखो, विंडो में आपको 1.5 टन में 3-star मिल जाता है, 1.5 टन में 5-star मिल जाता है. ये हमारा विंडो एसी है. हाँ जी दिस इज विंडो एसी. लेकिन इसका वेंट एकदम चेंज हो गया अभी. बिल्कुल चेंज, जब कंपनी ने पूरा टेक्नोलॉजी चेंज कर दी. ये इको फ्रेंडली R32 गैस के साथ आता है, जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल नॉइज लेवल बहुत कम है. और क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर को भी कोई हार्म नहीं होता. ये 1.5 टन में 3-star अवेलेबल है, 5-star अवेलेबल है. इसके बाद 2 टन के अंदर आपका 4-star अवेलेबल है. ठीक है. और इन सारे एसियों के अंदर एक कोटिंग भी होती है, जिससे क्या कहते हैं गैस लीकेज की जो प्रॉब्लम है बहुत लिमिटेड कम हो जाती है. अच्छा. जो यूनिट में जो गैस होती है, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है. हाँ जी, तभी एलजी साथ में कोटिंग करके देता.
ओके, ये बाकी कंपनीज के साथ किसी के पास नहीं होता ये। ऑलराइट, सो हर टन के एसी, हर साइज के एसी, विंडो एसी और स्प्लिट एसी विद यूनिट्स। हाँ जी, हाँ जी। प्रॉपर इंस्टॉलेशन हम करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कंपनी के थ्रू डायरेक्ट आपकी इंस्टॉलेशन होती है और मार्केट से इंस्टॉलेशन के प्राइस में भी आपको यहाँ पे अच्छा डिस्काउंट मिलता है। ऑलराइट, थोड़ा सा प्राइस कॉम्पिटिटिव है आपने जैसे हम बताया हमको, तो अगर हम वन टन को कंपेयर करें एलजी टू एलजी प्राइस, आप देखो पता क्या है, प्राइस में दो एस्पेक्ट्स होते हैं। आप एक बार ही सस्ता एसी ले लो, फिर उसका बिजली का बिल ज्यादा देते रहो, तो वन ईयर में आपके पैसे उतने ही लगते हैं। बट अगर आपने एसी के ऊपर पैसे थोड़े से ज्यादा खर्च लिए, उसके बाद आपका मंथली बिल इतना कम हो जाएगा कि आप अपने घर के सारे एयर कंडीशनर चेंज कर दोगे एक बार एलजी का एक एसी यूज करके। ऑलराइट, अगर एलजी से एलजी कंपेयर करें, जो आपके पास अवेलेबल एलजी के ब्रांड्स है और बाकी स्टोर्स के प्राइसिंग में भी थोड़ा सा फर्क है, ये नहीं होता। अच्छा, प्राइसेस सेम रहेंगे? प्राइसेस हमारे जो है, ये हमारा दिल्ली का सबसे एक्सक्लूसिव शोरूम है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वैरायटी और सबसे कॉम्पिटिटिव प्राइस और सबसे फास्ट सर्विस मिलती है। ऑलराइट, तो पूरे नॉर्थ इंडिया में एलजी का सबसे सस्ता प्रोडक्ट आपको एलजी ब्रांड शॉप प्रीतविहार में ही मिलेगा। बिल्कुल ठीक। हनी, आप क्या दिखाएंगे? मैं सर आपको वॉशिंग मशीन दिखा देता हूँ। वॉशिंग मशीन में ना दो तरीके की आती है, टॉप लोड आती है, फ्रंट लोड आती है। ठीक है, बेसिकली जो एलजी में जितनी भी सारी मशीनें अगर आप देखते हैं, फ्रंट लोड हो, टॉप लोड हो, तो वो डायरेक्ट ड्राइव आती हैं। डायरेक्ट ड्राइव का क्या मतलब? डायरेक्ट ड्राइव का ये सर मतलब होता है, जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ, हमारे पास इसका लाइव डेमो भी है। ठीक है, डन। फ्रंट लोड है जहाँ पे आप फ्रंट से आप... ये देखिए सर, अच्छा, अब दो तरीके की मशीनें आती हैं। जैसे अगर आप देखें तो एक बेल्ट और पुली से वर्क करती है, एक एलजी में जो आती है वो डायरेक्ट ड्राइव आती है। ओके। एक ड्रम से ही सीधा मोटर अटैच होता है। उसका हमें बेनिफिट ये मिलता है कि आपकी मशीन जो है वाइब्रेशन और नॉइज कम करती है, प्लस आपके लोड के अकॉर्डिंगली वो आपका कंजप्शन लेती है। कि सपोज करें आप 10 किलो की मशीन है, ठीक है, अगर आप उसमें दो कपड़े वॉश कर रहे हैं या चार कपड़े वॉश कर रहे हैं, तो उसकी जो कंजप्शन होती है ना उस कपड़े की लोड के हिसाब से होगी। ठीक है, तो इसमें 90 वॉट ही लेगा वो। ओके, एक तो पावर सेविंग हो गया, नॉइज कम हो गया। हाँ जी, और मुझे लगता है अगर बेल्ट नहीं है तो ये ज्यादा लो मेंटेनेंस भी होगा, क्योंकि बेल्ट जनरली खराब होने की टेंडेंसी होती है। सभी में क्या होता है ना, सारी मशीनें टंबल वॉश करती हैं, फ्रंट लोड कोई भी हो, बट इसके अंदर क्या होता है, ये सिक्स मोशन से काम करती है। अब जैसे आप देखेंगे ये बेल्ट पुली वाली मशीन है, ये थोड़ा वाइब्रेट भी दिखेगा आपको हिलती हुई, और ये एक सिंगल मोशन में आती है टम्बलिंग। अच्छा, अब ये इसका दूसरा मोशन होता है जो एलजी में आती है स्टेपिंग। ये सिक्स मोशन, डिफरेंट सिक्स मोशन में काम करती है। अच्छा, जैसे ये स्टेपिंग कर रही है, फिर इसका जो तीसरा मोशन होगा वो स्क्रबिंग होगा। अच्छा, कि जैसे हम हाथ से स्क्रब करते हैं कपड़े जो बाकी टेक्नोलॉजी बाकी ब्रांड्स में नहीं आता। ठीक बात है, ऐसे ही इसमें रोलिंग होगा, स्विंग होगा, फिल्ट्रेशन होगा। चलिए ठीक है, तो ये एलजी में इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव मोटर आती है, फ्रंट लोड में भी आती है, टॉप लोड में भी आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैपेसिटी की। जो हमारा बेसिक मॉडल से, जो हमारा बेसिक मॉडल कौन सा है हमारा? जैसे बेसिक तो सर एक्चुअली सेमी ऑटोमेटिक आती है, बट आजकल तो वो बहुत ही, जिसमें दो टब होते हैं। हाँ जी, एक में रिंसिंग होती है और एक में आपका वॉशिंग और एक में स्पिनिंग। वो हमारा क्या रेंज है, कितना? वो स्टार्टिंग हो जाती है, वो 7 kg से स्टार्टिंग हो जाती है। वो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये इधर लगी हुई है, ये आई थिंक बहुत बेसिक है, ये बेसिक है। आपका ज्यादा नहीं चलता तो सर, मतलब सारे कस्टमर जो हैं वो टॉप लोड फ्रंट लोड पे कन्वर्ट हो गए हैं। चलिए ओके, बेसिक जिस तरह से हम लोग एयर कंडीशनिंग की बात कर रहे थे वैसे इनकी भी बात करेंगे। प्राइस जो एलजी टू एलजी अगर आप कंपेयर करेंगे, बिल्कुल सर, तो इससे बेस्ट प्राइस आपके पास जो है हमारे पास बिल्कुल बेस्ट प्राइस होगा और सारी रेंज होगी। चलिए, तो हम अभी रिक्वेस्ट करेंगे ऑल द क्लैप्टर फैमिली मेंबर्स वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज क्रॉस वेरीफाई एंड ट्रस्ट मी द स्टोरी इज सेइंग दैट दे हैव द बेस्ट प्राइस, सो वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। आप फोन पे बात करके बता देंगे। चलिए, ये सारे के सारे सेमी ऑटोमेटिक है और फिर दिस इज सो बिग, ये तो बहुत बड़ी है साइज में। हाँ, ये सर सबसे बड़ी कैपेसिटी आती है 11.5 kg। अच्छा, हाँ जी, चलिए। ऐसी हमारे पास ना, अगर आप फ्रंट लोड में देखते हैं तो ये दिल्ली का सबसे प्रीमियम स्टोर है, जहाँ पे आपको फ्रंट लोड में भी सबसे बड़ी कैपेसिटी मिलती है। चलिए, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये 21 kg का, जैसे आप देखते हैं ना, ये 21 kg का वॉशर ड्रायर है। अच्छा, इसमें 100% कपड़ा सूख के निकलता है, जिसे हम बोलते हैं रेडी टू आयरन। ठीक है, फिर इसमें अगर इससे छोटा देखते हैं तो फिर 15 kg भी आती है। तो यहाँ पे आपको सारी रेंज मिलेगी फ्रंट लोड में। अच्छा, और ऐसे ही आपको टॉप लोड में मिल जाएगी, जैसे टॉप लोड में भी डायरेक्ट ड्राइव आता है। ओके, लेकिन हनी एक चीज और भी है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है उसी तरह से ना फंक्शनैलिटीज फंक्शंस भी बहुत सारे होते हैं। यूजर फ्रेंडली इसका ओएस होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो बहुत इजी है। बिल्कुल इजी है, और सर ये वाईफाई वाली सारी मशीनें हैं, क्या ये स्मार्ट मशीनें भी हैं कि आप अपने फोन से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, आप घर बैठे फोन से ऑपरेट कर सकते हैं, स्पेशली फॉर वुमेन। आप कहीं बाहर पे भी हो, कोई ऐसा ओल्ड पर्सन है घर में कि वो इसको ऑपरेट नहीं कर पा रहा, तो अपने ऑफिस से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, डन।
काफी सारी ना लेडीज को टेक्नोलॉजी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, हाँ मैन को भी होता है, हाँ, बिल्कुल, लेकिन बट ये बहुत इजी टू यूज है। ओके चलिए, ऐसे ही आपको ये आ जाता है टॉप लोड सेगमेंट, इससे नीचे जो आता है वो टॉप लोड आता है। अच्छा, तो ये भी डायरेक्ट ड्राइव है। अगर आप इसमें भी देखेंगे तो जितनी भी सारी जनरल मशीनें होती हैं वो भी बेल्ट पुली से चलते हैं, बट ये डायरेक्ट ड्राइव है। अच्छा ठीक है, आप अगर इसे एक उंगली से भी घुमाओगे तो डायरेक्ट ड्राइव है, बड़ा स्लो चलेगा, मतलब बड़ा स्मूथ चलेगा। ठीक है, और वाटर लेवल जिसका, जिनके वाटर कंटेंट में सेलाइन होता है उनको यूजली क्या करना होता है, जिनके सेलाइन लेवल हाई होता है पानी का? बेसिकली सर, टॉप लोड हो या फ्रंट लोड हो, जितनी भी अगर आप सारी मशीनें देखते हो स्टील ड्रम में आती हैं, तो ये हर, जैसे हार्ड वाटर हो या कैसा ही पानी हो, वहाँ सब हर जगह वर्किंग करती है। चलिए ठीक है, कलर्स देखेंगे तो ग्रे कलर्स में अवेलेबल है, ग्रे कलर आता है स्टील, ये प्रीमियम स्टील आता है। अच्छा, इसमें कलर काफी आते हैं। और केजीज में बता दें, अगर कैपेसिटी, अगर 11 केजी देख सकते हैं टॉप लोड में, मतलब जो सबसे बड़ी कैपेसिटी आती है वो 11 होती है, फिर 10 है, फिर 9 है। तो ये सारा जो हमारा सेगमेंट है ये एलजी में डायरेक्ट ड्राइव है, जो 9 केजी से स्टार्टिंग होता है। ओके, जल्दी से मुझे क्विकली केजी में बता दें, 9 केजी से स्टार्टिंग होता है, ये वो कपड़े होते हैं जो वेट उस, इसकी कैपेसिटी वॉल्यूम से ली जाती है। ये सर आपका जो कैपेसिटी लिखी होती है, कोई भी मशीन हो, टॉप लोड हो या फ्रंट लोड हो, उसमें क्या होता है, एक पैंट और शर्ट गीला होने के बाद 1 केजी में काउंट होता है। ओके, तो इसलिए हम इस कैपेसिटी को, जैसे 9 केजी तो हमारे 9 पेयर हो गए। ऑलराइट, ओके ओके ओके, चलिए आपने आज अच्छा क्लियर कर दिया। हाँ जी, ओके, फ्रंट लोड एंड टॉप लोड में दो एस्थेटिकली किचन के स्टाइलिंग के हिसाब से अगर देखें वॉशिंग एरिया, तो टॉप लोड जो है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, फ्रंट लोड जो है कम स्पेस। वॉशिंग क्वालिटी भी सर फ्रंट लोड की सबसे बेटर, ये पूछना था आपसे। वॉशिंग क्वालिटी की अगर आप बात करें, जैसे आप ड्राई क्लीन के लिए कपड़ा देते हो ना, वो सेम वॉशिंग क्वालिटी आपको फ्रंट लोड में मिलती है। वो बड़ी मशीनें होती हैं जो ड्राई क्लीनर्स के पास होती हैं, हमारे घर में यूज करने के लिए छोटी होती हैं। चलिए, फिर ये पानी भी कम लेती हैं। अच्छा, ये पावर सेविंग भी है, वाटर सेविंग भी है, और डिटर्जेंट भी आपका कम लगेगा। फ्रंट लोड का एक छोटा सा थोड़ा अजीब सा सवाल है, फ्रंट लोड के सोप्स डिटर्जेंट जो है वो सारे अलग डिटर्जेंट अलग क्यों है टॉप लोड के? नहीं नहीं सर, सेम ही है, मतलब बेसिकली मैटिक बोलते हैं, आप टॉप लोड लें या फ्रंट लोड लें, मैटिक यूज करें, क्योंकि उसमें फोम कम बनती है। अच्छा, फ्रॉथ कम होता है, तो उसमें क्या है, आपका वॉशिंग क्वालिटी बेटर मिलती है, क्योंकि वो पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। सुपर गुड, आज बहुत सारी चीजें हमें सीखी। आई हैव बीन यूजिंग वॉशिंग मशीन, मतलब मैं तो अपने कपड़े खुद धोता हूँ, एंड आई डिडंट नो ऑल दिस, मुझे खुद नहीं पता था ये सब भी है। नहीं नहीं, फ्रंट लोड, अगर आप देखो, आप इस वीडियो के बाद आप फ्रंट लोड ही प्रेफर करेंगे, डेफिनेटली आपकी इसकी ऐसी वॉशिंग क्वालिटी होती है कि आपको फिर दूसरा कुछ समझ में ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, और इसमें ये है कि एक बार स्टॉप होता है तो वहीं से स्टार्ट होगा जहां से स्टॉप हुआ है, जैसे लाइट वैसे तो दिल्ली में जाती नहीं है, बट अगर चली भी जाती है तो ये वहीं से स्टार्ट होगी जहां से ये स्टॉप हुई है। राइट, और इसको बीच में स्टॉप कर सकते हैं, इसको बीच में भी स्टॉप कर सकते हैं, अगर आपको कोई कपड़ा ऐड ऑन करना हो, निकालना हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये भी एक मिथ था लोगों को कि आप लोग इसको ऐड नहीं कर सकते। बेसिकली क्या, बाकी ब्रांड्स में भी ये फीचर है क्या, बीच में स्टॉप सभी में होता है सर, बट उसमें क्या होता है, कंडीशन होती है 14 मिनट तक, जैसे अभी आपने वॉश की तो 14 मिनट तक ही आप उसका डोर ओपन कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, पानी का लेवल बढ़ जाता है। ओके ओके ओके, तो 14 मिनट तक जैसे आपको लगा, ऑब्वियसली बात है, अगर आप खोलेंगे तो पानी बाहर आ जाएगा। चलिए ठीक है, दे आर वेरी सेफ, सिक्योर्ड, किड्स फ्रेंडली, पेट्स फ्रेंडली, तो ये होते हैं सारे फ्रंट लोड में। चलिए, अब व्हाइट का ट्रेंड नहीं है, सब ग्रे एंड ब्लैक में ज्यादा आते हैं ये। इसके ऊपर लोग इसको जनरली काउंटर के नीचे लगाते हैं। बिल्कुल सर, आजकल किचन में बिल्ट इन आपका मशीन भी लग जाती है, साइड में डिशवॉशर भी लग जाता है। चलिए ठीक है, एंड लो मेंटेनेंस, बॉडी इज आल्सो स्ट्रांग। पहले जो मशीन आती थी वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोरोजन की वजह से खराब हो जाती थी। हाँ जी, अब जो है मशीन, जितनी भी अब ये जितनी भी सारी मशीनें हैं ये कोटेड होती हैं। अच्छा, तो रस्टिंग की प्रॉब्लम भी ना के बराबर रह गई है। राइट, चलिए, दिस इज द सेक्शन वॉशिंग मशीन। चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन, अगला देखते हैं। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन नाउ, और हमारे पास है थर्ड वॉरियर। चलिए बताएं मलिक, क्या बताएंगे? हेलो सर, मैं अब आपको सर और सारी बाकी चीजों में ना आपको कवर अप करा देता हूँ, जैसे कि हमारे पास अब फिलिप्स का भी सर, हमारे पास जैसे आइसटम रखे हैं, एयर फ्रायर रखा हुआ है सर, मिक्सर रखा हुआ है, सैंडविच मेकर रखा हुआ है, तो हम ये सर छोटी छोटी चीजें भी सर हमारे पास एक्चुअली रहती हैं कि हाँ भी जैसे कस्टमर मैरिज का पैकेज जैसे कस्टमर होता है उनको ये चीजें चाहिए होती है, तो हमारे पास सर ये चीजें भी इस टाइम अवेलेबल हैं, आप हमारे पास से ये चीजें भी ले सकते हो। एक ये नया ब्रांड इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम है फिलिप्स, फिलिप्स में हमारे पास एयर प्यूरिफायर है, सॉरी एयर फ्रायर, एयर फ्रायर सर। ओके डन, इनके भी प्राइसेस में जिस तरह के एलजी के प्राइसेस में फर्क है बाकी स्टोर से, हाँ जी हाँ जी, उस तरह से क्या हमारे बाकी इनके प्राइसेस में भी फर्क है? हमारे यहाँ से आपको बेस्ट प्राइस ही मिलेगा इसके अंदर भी, अगर आप हमारे यहाँ से सर, अगर आप मैरिज पैकेज में, हम आपको एक कॉम्बो ऑफर बना देते हैं, बेटर डील दे देंगे जिसमें आपको सर इसमें भी डिस्काउंटेड हम कर देंगे।
बेटर डील दे देंगे। ओके, सो एयर प्यूरीफायर, सॉरी एयर फ्रायर है, फिर हमारे पास मिक्सर ग्राइंडर है, फिर हमारे पास टोस्टर है, फिर आयन है, और यहाँ पे भी टोस्टर में जूसर मिक्सर ग्राइंडर भी हो गया हमारे पास, तो ये चीजें, हाँ फूड प्रोसेसर भी हमारे पास, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल मिलेंगी। चलिए, तो ये है फिलिप्स का फूड प्रोसेसर, ये सेक्शन। ऑलराइट, चलिए ठीक है। हमने प्राइस मेंशन नहीं किया, लेकिन बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि जो प्राइस आपको यहाँ मिलेगा किसी और स्टोर पे नहीं है। बिल्कुल सर, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। चलिए ओके, अब हम चलते हैं मेन कोर्स की तरफ, यानी कि जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है बड़े बड़े यूनिट। देखो सर, अभी आप जानते हैं कि हाँ अभी थोड़ा सा गर्मियों का जैसे सीजन आ रहा है, तो हमारे पास सर काफी अच्छी रेंज के अंदर सर इस टाइम फ्रिज में सर काफी अच्छी कैपेसिटी के अंदर सर बहुत अच्छे अच्छे मॉडल आए हैं सर, जो मैं आपको थोड़ा सा दिखलाना चाहूंगा सर, ठीक है। जैसे कि सर हमारे पास जो स्टार्टिंग होता है, अगर आप डबल डोर की बात करते हैं जिससे, ठीक है, जिसको फॉस्फेट फ्रिज कहा जाता है, तो ये हमारे पास स्टार्टिंग हो जाता है सर 242 लीटर से सर, ठीक है। तो ये थोड़ी छोटा है, 242 लीटर से इसका वॉल्यूम होता है जो, हाँ वॉल्यूम होता है सर, टोटल वॉल्यूम कहते हैं सर कंपनी, जिसमें सर आपको ये स्टार्टिंग हो जाता है सर। बाकी इसके अंदर सर हमारे पास सर एक ग्राफिक के अंदर भी आ जाता है सर, बहुत सुंदर हैगा सर, ठीक है। तो ये फ्रिज भी एक आपको मिल जाता है, थोड़ा थोड़ा सर कैपेसिटी वाइज सर बढ़ जाता है। अब इसके अंदर सर एक अभी तक सर जैसे 3-स्टार रेटिंग के अंदर एक फ्रिज मिल रहा है आपको सर, ठीक है, ये 3-स्टार रेटिंग भी हो गया, कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ गई सर, ठीक है। और इसके अंदर आपको कन्वर्टेबल भी ऑप्शन मिल जाता है सर, ठीक है। स्टार रेटिंग वो दो स्टार थे, हाँ, जैसे वो टू, हाँ, ये थोड़ा सा एडवांस है सर कि हाँ भी इलेक्ट्रिसिटी आपको और कम लेगा सर। अच्छा, स्टार रेटिंग से थोड़ा सा बेसिकली आपको फायदा मिल जाता है, पावर सेविंग होगा। हाँ जी हाँ जी, चलिए ठीक है। ऐसी सर सेम थोड़ा सा कैपेसिटी वाइज सर बढ़ता जाता है इसमें जो ऊपर वाला एरिया है। हाँ, अब दो तरह के हैं इसमें, कुछ ऐसी जगह पे कुछ मॉडल्स ऐसे भी हैं जिनमें नीचे आपका जो है डीप फ्रीज है और ऊपर आपका स्टोरेज है, इसमें कैसे है, ऊपर डीप फ्रीज है? इसमें क्या है सर कि जैसे आप नीचे अपना ये फ्रिज यूज करते हो, ठीक है, सेम आप एज इट इज सर इसमें एक ऑप्शन होता है नीचे, ठीक है, कन्वर्टेबल लिखा होता है, 3 सेकंड प्रेस कर दो आपका जो फ्रीजर होगा वो फ्रिज बन जाएगा ऊपर वाला भी। हाँ जी। अच्छा, तो वॉल्यूम आप इसको भी, हाँ, डी फ्रीज को भी आप नॉर्मल फ्रिज में कन्वर्ट कर, हाँ, सकते हैं। हाँ, इसको आप डी फ्रिज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नहीं नहीं सर, दिस इज वन। हाँ जी, हमारे पास कोई ऐसा मॉडल है जिसमें डी फ्रीज ही नीचे? नहीं नहीं सर, वो एलजी, दैट इज, आई पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल लगता है मुझे, देखो क्योंकि उसके लिए बहुत बैंड करना पड़ता है, होता है, लेकिन बेटर सर देखो अगर आज के टाइम से आप सर पहले भी देखते आ रहे हो, जितने भी फ्रिज आते थे सर नॉर्मली सर जो लॉन्ग लास्टिंग जो चलते हैं ना वो ऊपर फ्रीजर और नीचे फ्रीज वाला ही चलता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको एक इसमें एडवांटेज मिलता है। फिर थोड़े से सर साइज हमारे पास आ जाते हैं सर, जैसे कि के मॉडल आपको मिल जाएगा सर, इसके अंदर थोड़ा सा आपको एडवांटेज ये मिल जाता है सर कि हाँ भी इसका जो कंप्रेसर होता है सर वो स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर रहता है, ठीक है, जो वेरिएबल स्पीड पे वर्कआउट भी करेगा और इलेक्ट्रिसिटी भी कम खींचेगा। देन इसमें आपको बाहर डिस्प्ले भी मिल जाती है सर, ठीक है, एक स्मार्ट डिस्प्ले होती है सर जिसमें क्या होता है कि हाँ भी एक आपको एक्यूरेट सर इसमें आपको टेम्परेचर शो करता है सर, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको इसमें प्लस पॉइंट मिलता है। प्लस कन्वर्टेबल भी आपको सर, ये भी कन्वर्टेबल फ्रिज है हमारा, ये भी आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं सर, जिसमें क्या होगा आपका फ्रीजर टू फ्रिज आप इसमें बाहर से ऑप्शन, अभी तक जैसे आप इसमें देख रहे थे सर नीचे से अंदर से था ऑप्शन, ये आपको बाहर से ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। प्लस ये हमारा वाईफाई मॉडल भी रहता है सर, वाईफाई का बेनिफिट ये होता है सर कि हाँ भी किसके अंदर सर एक एप्लीकेशन होती है थैंक यू नाम से, ठीक है, वो आप डाउनलोड कर लो, इजिली मिल जाती है प्ले स्टोर पे, और आप अपने फोन से भी इसको पूरा ऑपरेट कर सकते हो सर इसके टेम्परेचर को, तो ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क है सर हमारे फ्रिज के अंदर सर। डन, ओके, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ आपकी कॉस्टिंग भी बढ़ती जाती है, ऐसी ऐसी सर सारे के सारे। ये कितने लीटर में, ये आपको जो कैपेसिटी मिलेगा 343 लीटर के अंदर आएगा सर। ओके, हाँ जी ठीक है। ऐसी 343 लीटर के अंदर सर दो कलर अवेलेबल है सर, जैसे कि ब्लैक कलर आ गया है, एक शाइनिंग स्टील आ गया सर, ठीक है, तो ये थोड़ा सा सुंदर लगता है सर, ये भी 3-स्टार रेटिंग के अंदर आ जाते हैं सर, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ी कैपेसिटी में जाओगे सर तो 380 लीटर आ जाता है सर, ठीक है। इसके बाद सर फिर अगर आप देखोगे 398 लीटर भी मिल जाएगा। अच्छा। तो हाई एंड कैपेसिटी में भी सर हमारे पास आप थोड़े से और देखोगे तो यहाँ पे सर आपको कम से कम जो आपको कैपेसिटी में मिल जाता है सर 592 लीटर के अंदर मिल जाता है। ये भी सिंगल डोर में? हाँ, ये डबल डोर में सर। मतलब डबल डोर में ऐसा, डबल डोर ऐसे फ्लिप में आता है? ये ऐसे वाले डबल डोर है सर। अच्छा, इस तरीके से सर। ओके, इस तरीके वाला सर, ठीक है। तो ये चीज है सर। तो ये थोड़ा सा एडवांटेज। क्या रेंज का होगा ये अगर आप देखोगे सर? तो रेंज सर देखो, वैसे तो कंपनी अगर टैग प्राइस देखोगे तो सर 1 लाख कुछ का है सर, ठीक है, आफ्टर डिस्काउंट सर हमने 86 लिखा। बाकी बेस्ट प्राइस आपके लिए सर बहुत अच्छा हो जाएगा सर इसके अंदर, जब आप डील बनाएंगे सर
तो क्रेडिट कार्ड पे भी सर हमारे ये हमने फर्स्ट प्राइस मेंशन किया है, बाकी टाइम में हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि सरप्राइजिंग प्राइस है। राइट सर, राइट, चलिए ठीक है, आप आएंगे सर तो हमारे ऑफर भी सर काफी अच्छे चल रहे हैं सर इस टाइम, ठीक है। जैसे कि सर क्रेडिट कार्ड आप सर यूज करते हैं तो उसमें आपको कैशबैक वगैरह मिल जाता है सर, ठीक है। हमारे पास कैशबैक भी आपको मार्केट के रेटों से सर थोड़ा सा बेटर रहेगा, क्योंकि सर हमारे पास आपको क्या कहते हैं आप कैशबैक देखोगे तो सर 12.5% का इस टाइम सर ऑफर चल रहा है। बाकी डिपेंड टू होता है सर कि सीजन पे सर थोड़ा सा चेंजेस भी हो जाते हैं, अपर डाउन भी रहता है, तो ये चीज हो जाती है, ठीक है, डन। ये थोड़े डिफरेंट फ्रिज है इनका, ये पार्ट हाँ सर, ये स्टाइलिंग के हिसाब से डिफरेंट है, ये थोड़ा सा स्टाइलर हो जाएगा सर, थोड़ा सा कर्व में आ जाता है सर ये, ठीक है। ये हमारी जो स्टार्टिंग हो जाती है सर, अगर छोटे फ्रिज की बात करें तो 185 लीटर से सर स्टार्टिंग हो जाती है सर ये, ठीक है, ठीक है। तो 185 लीटर से सर आपको कम से कम इसमें 270 लीटर तक जाता है सर हमारा, चलिए ठीक है। अब तो हम देखेंगे कुछ हमारे पास ओटीजी की भी रेंज है, ये बेसिकली सर माइक्रोवेव है सर हमारे, ठीक है। माइक्रोवेव सर अब हमारे पास सर हर रेंज से चालू हो जाते हैं सर, ठीक है। इसमें आपको 21 लीटर भी मिल जाएगा, 28 भी आ जाएगा सर, 32 भी आ जाएगा सर, ठीक है। ये अगर आप देखोगे सर तो सबसे अच्छे हमारे माइक्रो सर ये थोड़े से देख सकते हो सर, ये बेसिकली क्या है सर, थोड़ा सा स्मार्ट माइक्रोवेव है सर, जिसमें क्या है सर कि हाँ भी ये 28 लीटर के अंदर रहेगा सर, इसमें 32 भी मिल जाता है सर और ये 28 भी है सर, ठीक है। दो वेरियंट आते हैं इसके अंदर, और ये सबसे प्लस पॉइंट क्या है इसके अंदर की ये भी विद वाईफाई मॉडल है सर, अच्छा। ये भी इसमें बेनिफिट ये रहता है सर कि जैसे कि आप होता क्या है कि हाँ भी जैसे आप कोई रेसिपीज बना रहे हो सर, ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है इसके साथ एक रेसिपीज बुक आती है, जो कई बार सर होता क्या है कि कुछ टाइम बाद ना हम खो जाती है या हमें नहीं मिलती, तो आपके फोन की एप्लीकेशन में ही सर आपको स्मार्ट वर्क करेगी सर, ठीक है। अच्छा, वो आपको आपके फोन में ही रहेगी सर हमेशा, आप उसको खोल के आप अपने कोई भी रेसिपीज सर उसमें पढ़ के बना सकते हैं सर, अच्छा। तो ये सबसे इजीली रहेगा सर, ठीक है, चलिए ठीक है। एक ये होता है सर, दूसरा सर कि हाँ भी आज के टाइम पे सर स्कैन टू कुक का ऑप्शन आता है सर, ठीक है। हमारा ITC कंपनी से सर टाइप है, जिसमें क्या होता है सर कि हाँ भी जैसे आपने मफिंग वगैरह बनाने जो स्कैन टू कुक वाले ऑप्शन होते हैं सर, वो आप इसके अंदर इजीली बना सकते हैं, आपको गाइडेंस करता है। स्कैन टू कुक, हाँ जी, मतलब स्कैन करें QR कोड और आपका उस हिसाब से इजीली, बहुत इजी होता है सर ये। ओ वाओ, हाँ। इसके कुछ वीडियोस आई एम श्योर कंपनी ने अपनी बना के दिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल ये चीज है सर। और प्लस ये चारकोल लाइटिंग हीटर के अंदर आता है सर, जिसमें आपको बेनिफिट क्या होता है कि ये बाहर से आपका सर एक आपको क्रिस्पी और अंदर से एक जूसीपन लेके आता है, जिसमें क्या होता है आपको कोयले का फ्लेवर जो स्मोक होता है सर, ठीक है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं तंदूरी चीजें खाते हैं, तो सेम आपको सर वही कॉन्सेप्ट सर थोड़ा सा टेस्टीपन आपको मिलेगा सर, जैसे ये 32 लीटर के अंदर है सर, अच्छा। ये थोड़ा स्मार्ट वर्क है सर ये चीज, डन ये चीज। Alright, तो OTG भी है, माइक्रोवेव भी है, ग्रिलिंग भी है इसके अंदर, हाँ, ये ऑल इन वन पर्पस के लिए सर। राइट, बेकिंग के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, इसमें सारी चीजें होंगी सर, चलिए ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ और फ्रिज के ऑप्शन है, हाँ, ये फ्रिज सर वही जो मैंने आपको बताए थे, थोड़े से बड़ी कैपेसिटी तक आते, अच्छा। हैं 185 से लेके 270 तक आते हैं सर लीटर तक। ऑलराइट, और ये क्या है यहाँ पे सर, ये होगा हमारा सबसे प्रीमियम सेगमेंट के अंदर सर, जिसमें क्या होता है कि हाँ भी इसमें आपको ये साइड बाय साइड कहते हैं सर डायोस फ्रिज सर, ठीक, अच्छा। है, ये सबसे हमारा स्पेशली सर बहुत बेटर फ्रिज है सर, प्रीमियम सेगमेंट के अंदर रहता है, जिसके अंदर सर क्या होता है कि हाँ भी ये स्टाइलिश फ्रिजेस होता है। दूसरा सर इसके अंदर क्या है, हम इसमें ना नॉक नॉक का सिस्टम देते हैं सर, अच्छा, अरे वाह, नॉक नॉक का सर थोड़ा सा बेनिफिट देखो ये हो जाता है कि हाँ भी जैसे हम फ्रिज खोलते हैं सर तो एकदम से डोर पूरा खुलता है तो सारी कूलिंग लॉस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नॉक नॉक करके सर आप पहले तो अपनी चीज सर देख सकते हैं कि कहाँ रखी है, और इजी टू वन टच सर, अच्छा, अरे वाह, ये वन टच सर में सर आप अपनी जैसे कोई बॉटल निकालनी है, कोई आपने सामान निकालना है, तो इजिली आप सर इसमें निकाल सकते हैं, आपको पूरा डोर ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, जिससे आपकी कूलिंग भी इसके अंदर ना लॉस नहीं होगी सर। सुपर गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ये, तो ये थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। प्लस इसमें आपको ना डिस्पेंसर के साथ आता है, इसमें क्या होगा कि हाँ भी अगर आपको वाटर चाहिए तो वाटर मिल जाएगा, क्रशिंग आइस चाहिए क्रशिंग आइस मिल जाएगी, क्यूब्स चाहिए तो क्यूब्स मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको ये आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है, राइट, ये इसका फ्रिज होता है, ये साइड इसका पूरा फ्रीजर होता है, ठीक है, ये डीप फ्रिज का काम करता है। इसमें भी ऑप्शन है, आप इसको स्विच कर सकते हैं, हमारे कुछ और मॉडल आते हैं उसके अंदर आपको वो चीज मिल जाएगी, चलिए ठीक है, हाँ जी। वैसे वेजिटेरियन सेक्शन अलग है, नॉन वेज अलग है, जैसे कि बेसिकली क्या है सर, देखो इसके अंदर हमें एक हाइजीन फ्रेश सिस्टम मिल जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 5 फिल्ट्रेशन के थ्रू तैयार होता है, जो आपका आपको बैक्टीरिया जितना भी बैक्टीरिया जम्स वगैरह होता है उसको 99.99% तक रिमूव कर देता है, अच्छा। तो ये भी आपको इसमें एक एडवांटेज मिलता है। प्लस हमारा डोर जैसे बार बार खुलता है ओपन होता है तो इसमें एक डोर कूलिंग का ऑप्शन आता है, जिसमें आपको 35% फास्टर कूलिंग करके देता है एडवांस, जो आपकी आगे की चीजों को भी जल्दी से कवर करेगा
और आपकी बॉटलों को भी जल्दी कवर कर देगा। तो ये आपको एडवांटेज मिलता है। मल्टी एयर फ्लो के साथ रहता है कि हर डिपार्टमेंट में इक्वल कूलिंग रहेगी इसके अंदर। ओके, मल्टी एयर फ्लो का एक और बेनिफिट शायद ये भी होता है कि किसी तरह का जो जो ऑर्डर होता है, जो स्मेल होता है, वो नहीं रहता वो इसमें। हमारा जो है ना, आपको मैंने बैक्टीरिया वाला बताया, हाइजीन फ्रेश सिस्टम, वो वाला काम करेगा लाइक दिस। ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया आपका स्मेल वगैरह होती है तो उसको डीएक्टिवेट करता है। चलिए, ये सॉल, ये भी कुछ फ्रिजेस की, फ्रिज रेफ्रिजरेटर्स की हमारे पास और मॉडल्स हैं। एक ये हमारे पास बहुत अच्छा मॉडल आया है, एक और ये वाला, जिसमें क्या है कि हाँ भी इसमें एक डोर पूरा व्हाइट है, एक डोर पूरा ब्लैक है। तो ये कुछ नया कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये भी देखना चाहें तो जैसे आज के टाइम पे घर में जैसे हम इंटीरियर सर, किचन वगैरह रहते हैं, हमारा स्टाइलिश रहता है, तो उसमें सर आप ये चीज लगा सकते हैं। सर ये जो कैपेसिटी आती है 650 लीटर के अंदर आती है, ठीक है, ये कन्वर्टेबल भी आता है हमारा फ्रिज। अच्छा, इसको जैसे, भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है सर, जैसे अगर आपको ये फ्रीजर है, ये फ्रिज है सर, ठीक है। अगर आपको फ्रीजर आपको नहीं चाहिए तो हमारा एक ये स्मार्ट फीचर है इसके अंदर सर, वही विद वाईफाई वाला, आप अपने वाईफाई के थ्रू भी सर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो सर। ठीक है, सबसे प्लस पॉइंट रहेगा, आपको फ्रिज के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने फोन से सर इसको कन्वर्ट कर सकते हो, जिसमें क्या होगा आपका जो फ्रीजर होगा वो पूरा फ्रिज बन जाएगा, ठीक है। या इनके सर कभी आप बाहर जा रहे हैं सर, ठीक है, आपको इतने बड़े पोर्शन की जरूरत नहीं है सर, तो आप हमारा एक साइड ये ऑफ भी कर सकते हैं सर। तो ये पावर सेविंग में काम आएगा। हाँ, पावर सेविंग में काम आएगा। ओके, और कई बार ऐसे फूड आर्टिकल्स भी होते हैं, फूड आइटम्स भी होते हैं जो ओवर फ्रोजन होने की वजह से खराब भी हो जाते हैं, आप उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। उनको भी कंट्रोल कर मसलन फ्रूट्स का, टेम्परेचर आप अप एंड डाउन भी सर अपना कर सकते हैं। ठीक है, बाकी काफी सारे बेसिक फीचर भी हैं, जैसे फ्रूट बास्केट अलग है, फ्रूट बास्केट हो गया सर, और आपका वेजिटेबल का बास्केट अलग है, एस्थेटिक्स की बात हो गई, डबल डोर, सिंगल डोर, सिंगल साइजेस, डबल साइजेस, है ना। मेन कैच जो अपने पास है वो है प्राइस का। प्राइस, चलिए ठीक है। बाकी ये हमारे ऑरेंज सीजन, ये आपको ये मॉडल और ये कलर मिल जाते हैं सर आपको। चलिए, दैट्स ऑल फॉर नाउ। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, प्लेजर मीटिंग यू। एंड आपके स्टोर का लोकेशन हमने जैसे बिगनिंग में बताया इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल द क्लप्टर फैमिली मेंबर्स, इवन कॉलिंग फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली एनसीआर, दे कैन रीच हियर इजीली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।